अगर करने का स्टार्ट तो ब्रो फुल मतलब कॉल विल कर, मतलब पहलेज ब्रो ने क्या पहलेज क्लियर होने का है कॉल करने का, नहीं क्या ब्रो कहीं को दो गाने के बाद कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से ब्रो। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो पहले ही मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, और सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तब जाके इतनी जल्दी हम लोग इस माइलस्टोन तक पहुंचे। मतलब क्या बवाल किया है आप लोगों ने यार, मैं तो अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि इतने कम टाइम में हम लोग 100K तक पहुंच गए हैं। तो चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो जैसा कि आप लोग दे रहे हो, और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों तक अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स। तो चलिए अभी चलते हैं न्यूज की तरफ। तो पहले ही बात करेंगे डिवाइन और एमए बंटाई के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बंटाई और डिवाइन के बीच में बीफ खत्म हो गया है, और दोनों ने एक लाइव वीडियो में आके इसके बारे में बात भी किया और आपस में सारा मैटर सॉल्व कर लिया। और बंटाई और डिवाइन दोनों ने बोला कि वो कोई और डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालेंगे। अब डिवाइन और बंटाई ने तो आपस का मैटर सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके बाद बहुत लोगों का ये रिएक्शन आ रहा है कि उन्होंने प्लान करके ये बीफ किया, और बहुत लोगों ने बंटाई और डिवाइन को सपोर्ट भी किया। तो चलिए अभी देख लेते हैं किसने कैसा रिएक्ट किया। तो पहले बात करेंगे गैंगिस खान के बारे में। तो गैंगिस खान ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाले, और वहां पे पहले गैंगिस खान ने डिवाइन को पोक किया, और उसके बाद गैंगिस खान ने डिवाइन और बंटाई के बीफ के बारे में लिखा, यू किड्स इन इंडिया नीड टू लर्न व्हाट बीफ इज, ऑल दिस शीट इज जस्ट फन टू मी। तो गैंगिस खान ने इनडायरेक्टली डिवाइन और बंटाई को बोला कि उनको पहले सीखना होगा बीफ क्या होता है। और उसके बाद गैंगिस खान ने एक और स्टोरी में लिखा, आई हैव लॉस्ट ओवर 20 पीपल टू गन वायलेंस इन दिस लाइफ, नाउ दैट इज बीफ। तो आप लोगों ने देखा गैंगिस खान ने बंटाई और डिवाइन के लिए क्या बोला। तो अभी बात करेंगे एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन ने एक लाइव वीडियो पे डिवाइन और बंटाई के बीफ के बारे में बात किया। तो चलिए पहले देख लेते हैं एमसी स्टैन ने एग्जैक्टली क्या बोला। कोरे मामने के एक आदि की जिंदगी झाट करने को, समझ रहा ना, नको अपने को वैसे नहीं अच्छा है ब्रो, अच्छा नहीं हो, कर्म दिख रहा है ब्रो, अपन मानेज बीफ बीफ हो सही है, जान दे ब्रो किसके क्या बोले अभी, चार्ज करते रहे मेरे को मालूम क्या, चार्ज करते मतलब नहीं क्या बोलूँ ऐसा करके, हाँ ब्रो सब है चालू है रोज अभी चार्ज करते, हाँ हैप्पी एनिवर्सरी तो है ना ब्रो, तुम लोग ने देखा अभी मिठाई है पब्लिक मिठाई है भाई मिठाई पग ब्रो, मतलब अगर करने का स्टार्ट तो ब्रो फुल मतलब कॉल विल कर, मतलब पहलेज ब्रो ने क्या पहलेज क्लियर होने का है कॉल करने का, नहीं क्या ब्रो कहीं को दो गाने के बाद कॉल कर रहे हैं बात कर रहे हैं एक दूसरे से ब्रो, पहले फिर आगे का डिस फिर मतलब आगे कौन डिस भी करेगा ना ब्रो, तो फक। और ये इंडिया का मतलब मैंने जो पोस्ट डाला था ना वो इंडिया में खतरा नहीं क्या, मतलब हिप हॉप को खतरा है बोले नहीं क्या ब्रो, वो सच्ची ट्रिप है ब्रो, पब्लिक मतलब भलता सोच रहे मान, तुम लोग समझ में नहीं, मतलब अभी कैसा बताओ नहीं क्या खुल के कैसा बताओ ब्रो, अभी हिप हॉप ब्रो मतलब मेरे को एक बात बोलो नहीं क्या, डिस बिस माह में क्या, अरे मैं एक साल हो गया, एक साल दिख रहा क्या तुमको इधर एक साल हो गया भाई, एक साल से डिसच चालू है, एक साल से डिसच चालू है भाई, क्या मालूम कैसे क्या। और आप भी बोल रहे लेने क्या, अरे ब्रो हेटच नहीं मांगता यूनिटी एक जगह पे नहीं क्या, एक जगह पे अगर बॉम्बे में ना एक जगह पे सब आर्टिस्ट लोग डिवाइन ने क्या एमयूबी में सब ब्रो ने क्या एक जगह पे अगर परफॉर्म करेंगे ना मां छूट गई ब्रो, कितनी पब्लिक आएंगी समझ रहे क्या तुम, अस्तगफिरुल्लाह बहुत गाली विली समझ रहे ना तुम लोग ब्रो, यूनिटीज सीन है रे, एंडिंग वो चे माम, बाहर एड भगाने का है ना, बाहर की पब्लिक का एड भगाने का, तो वो सीन है ब्रो, जो है वो बोलता फैक्ट्स पे बिलीव करता ब्रो, मैं मतलब कहीं को बोल रहा मालूम क्या, ये सब ट्रिपा मतलब मेरे को हर्ट हो नहीं क्या माम, मेरे को हर्ट हुआ ब्रो कि नहीं क्या माम, मैं देख मैं फैक्ट्स पे बिलीव करता, वो लोग दोनों टॉप पे हाँ मैं ये बोल रहे मैं फैक्ट्स पे बिलीव करता रहूँगे, फक ब्रो मेरे को किसका समझ रहे ना तुम, मैं फैक्ट्स पे बिलीव करता था, वो लोग दोनों टॉप पे और वो लोग ब्रो ये सब हक डाल रहे ना ब्रो, फक वैसे मतलब कौन यंग रैपर आएंगे ना, मतलब कितने आ रहे छे वो लोग, फुल अभी चूते की गिनती कर रहे, मतलब हिप हॉप चूते की गिनती में आ रहे मालूम क्या, अभी वो बीट बॉक्सिंग में आता ब्रो पब्लिक को ब्लड ब्रो, होमी नहीं मालूम था ब्रो, इतने साल से हिप हॉप चालू था, होमी नहीं मालूम, हुड नहीं मालूम, फिर क्या अभी तक एक रैपर ने खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं करा ब्रो, कि मेरे में क्या क्या है ब्रो, मेरे अंग पे क्या क्या है, क्या बोलने का माँ, अभी हिप हॉप समझता क्या रीति को, मैंने पहले ही बोल डाला था ब्रो समझ मेरी बात को, फिर खुजा मत ब्रो रोग, क्या बोले अभी जानने माँ, 10 टाइम डिस करता स्नेक डिस स्मार्ट डिस सब करता ब्रो, फक ब्रो ये सब अपने को नहीं जानता भाई,
कुछ नहीं ब्रो, मेरे को हेट बीट कुछ नहीं, अपन झगड़े लगाने के काम आने करते, समझ रहे ना, फास्ट हो गए थोड़ा। तो अपन झगड़े लगाने के काम नहीं करते ब्रो, सब लोग पीस मांगते ब्रो, सब लोग पीस मांगते ब्रो, सब लोग पीस। पर अभी क्या बोलूँ, पर वो लोग मीठा ही है ब्रो, कुछ फक हो भी ये सब, मतलब ये भी ब्रो इधर आज खत्म हो जा रहे। तो ब्रो मतलब आइस बीस का सोच रहे भी नहीं ब्रो, नहीं क्या आइस बीस का, दांत बीत के ग्रिल्स का ब्रो, डायमंड भी बनाएंगे दांत बिल दांत बीत पे, वो सोच रहे नहीं, गांड के नीचे लैम्बोच नहीं, यानी तेली करियर खत्म करने का देख रहे ब्रो, ये सब चूते। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा ना ब्रो कि पब्लिक पब्लिक का हिप हॉप हो गई ना इतनी, कि ये लोग फेक हो गई, पब्लिक हिप हॉप हो गई, और बहुत ज्यादा हिप हॉप हो गई ब्रो, सबको समझ रहे ब्रो, लिटरली ब्रो कॉटेड डायरेक्ट यू नो कॉटेड ब्रो। तो आप लोग कमेंट करना कि आप एमसी स्टैन की बातों से एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो अभी बात करेंगे डिवाइन के बारे में। तो कल बंटाई के साथ लाइव वीडियो पे बातें करने के बाद डिवाइन अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए, तो वहां पे डिवाइन ने कुछ मैटरों पे बात किया। तो चलिए पहले देख लेते हैं डिवाइन ने अपने लाइव वीडियो में क्या क्या बोला। पिछले एक हफ्ते में, और क्योंकि मैं इतना इंटरनेट और इतना सोशल मीडिया पे रहता नहीं हूँ ज्यादा, आई जस्ट पोस्ट सम थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, उतना ही करता हूँ, उसके बावजूद मैं इतना आता नहीं हूँ क्योंकि मेरा वैसा है ही नहीं स्टाइल। लेकिन तुम लोग सुनते रहो, एंड आई केम टू से थैंक यू टू एवरीबडी हु सपोर्ट्स मी, एवरीबडी हु लव्स द म्यूजिक, द मूवमेंट, जी जी फॉर लाइफ। कृष्णा के साथ कोलैब आ रहा है, आई लव कृष्णा स्टाइल, सही म्यूजिक बनाता है वो, और प्लस बहुत सालों से मैं कृष्णा को पहचानता हूँ और उसका हसल रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसा सिकंदर का हसल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो भी बहुत टाइम से गेम में, जैसे एस हो गया, कलमकार का टीम हो गया, जो हसल कर रहे हैं, जो मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, और जो मज़े ले रहे हैं साइड लाइन्स पे, वो लोग को साइड लाइन्स पे रहने दो, हम लोग गेम खेल रहे हैं, जो गेम में हम लोगों को मालूम है कि कौन गेम खेल रहा है और कौन गेम नहीं खेल रहा है। गली गैंग बॉय, बाकी नए गाने आ रहे हैं, 7 तारीख को कुछ आएगा, मेरे मैनेजर चैतन्य से पूछना चाहिए एक्चुअली, और बाकी पीस टू एवरीबडी। पूछ रहा था कि वल्ला का रिमिक्स भी बनाने के लिए, देखते हैं कि वल्ला का रिमिक्स बनाना चाहिए कि नहीं, किसके साथ कोलैब करना चाहिए, यहाँ पे लिखो। धूमसे वाला के साथ कोलैब आ रहा है, द सॉन्ग इज ब्र, खतरनाक गाना है, सिद्धू रोट इज पार्ट, आई रोट माई पार्ट, खाली रिकॉर्ड करना बाकी है, और एक स्पेशल फीचर है उस पर जो मैं अभी नहीं बता सकता, बट आई लेट यू गाइस नो वेरी सून। डिशेस खा रहा हूँ, मस्त हूँ मैं लाइफ में, सब कुछ मस्त है, हेट और ये सब मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वैसा, मैंने कभी अपने म्यूजिक को ऐसा दिया नहीं है इंपॉर्टेंस हेट और इसके लिए, आई जस्ट ट्राई टू मेक गुड म्यूजिक। और क्या हो रहा है, रफ्तार एंड डिवाइन, रफ्तार एंड डिवाइन भाई बहुत पेंडिंग है ये, एक मेरे गली में का गाना हुआ था हमारा रीमिक्स बहुत पहले, पर कभी आया नहीं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस जो अलाउ नहीं कर रहे थे, पर अभी तो कर सकते हैं, अभी 100% कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा डिवाइन ने अपने लाइव वीडियो पे क्या क्या बोला। तो बेसिकली डिवाइन ने पीस के बारे में ही बात किया, और उन्होंने बोला कि रफ्तार के साथ भी उनका एक ट्रैक है जो कि आने का चांस है, और अगले महीने 7 तारीख को डिवाइन का एक न्यू ट्रैक आउट होने वाला है, तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं ट्रैक कैसा होता है। तो अभी बात करेंगे रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार ने भी डिवाइन और बंटाई के मैटर पे एक स्टोरी डाला, और जहाँ पे रफ्तार ने लिखा, लोगों को ज्यादा मजा तब आता है जब उनको झगड़े देखने को मिलते हैं, शायद इसीलिए यूनिटी के इस कदम को कम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। डिसेस की हिस्ट्री है कि कभी कभी बात कलम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, वो धब्बा हमें देसी हिप हॉप पे लगने नहीं देना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो रफ्तार ने यहाँ पे डिवाइन और बंटाई के डिसीजन को सपोर्ट किया है, और जिन लोगों ने डिवाइन और बंटाई के डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया है, उनके लिए रफ्तार ने बोला है कि लोगों यहाँ पे झगड़े देखने में ज्यादा मजा आता है, और इसीलिए वो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपका अगर इस मैटर पे कोई ओपिनियन है तो कमेंट करके बोलना। और आज रफ्तार का एक म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है ड्रामा, और ये ट्रैक पहले ऑडियो वर्जन में आया था जो कि मिस्टर नायर एल्बम का था, तो अभी ये ट्रैक म्यूजिक वीडियो के साथ आया है। तो म्यूजिक वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है तो कमेंट करना म्यूजिक वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी बात करेंगे मीम मशीन के बारे में। तो मीम मशीन का आज एक न्यू ट्रैक आउट हुआ है, और ट्रैक का नाम है फेम। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रैक नहीं सुना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना। तो अभी बात करेंगे रागा के बारे में। तो रागा का एक न्यू ट्रैक बहुत ही जल्द आउट होने वाला है, और ट्रैक का नाम है स्किल्स, और रागा ने अपने इंस्टाग्राम पे इस ट्रैक की एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया है। अब ट्रैक के रिलीज डेट के बारे में रागा ने कुछ भी नहीं बोला है, तो देखते हैं रागा इसके बारे में कब तक कोई अपडेट देते हैं। तो अगर आप रागा के फैन हो तो कमेंट करना कि इस ट्रैक के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, और ट्रैक के बारे में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, और तब तक के लिए वेट करते हैं रागा की अगली अपडेट के लिए।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए।